एक जड़ हम धनिया दे दिए हैं, अब चलते हैं टमाटर तोड़ देने। तो मैगी में हम टमाटर डालते हैं और टमाटर खेत में है, ये देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया पका टमाटर है, ये सारा पक भी रहा है, यहाँ भी पका है टमाटर, ये टमाटर पका है, और भी टमाटर है लेकिन इतना टमाटर तो हमारा हो जाएगा, तो चलते हैं। ये देखिए मैगी के लिए सारा सामान दे दिए हैं और मैगी हमें 5 रुपये वाला 6 पैकेट दिए हैं। तो सबसे पहले मैगी को हम एक प्लेट में खोल देते हैं। मसाले को निकाल देते हैं इसमें से और इसको भी हम फाड़ के निकाल देंगे कटोरी में। मैगी बनाने के लिए दिए हैं हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक गाजर है तो हमने दिया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, एक प्याज है और ये छोटा छोटा 4 टमाटर है। सबको हम पहले इनको धो लेंगे, उसके बाद इसको हम काट देंगे। ये सारी सब्जियों को हमने धो लिया है, अब हम प्याज को भी काट देंगे, टमाटर को भी काट देंगे, धनिया को भी काट देंगे और गाजर को भी छील के काट देंगे, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए चूल्हा जला लिए हैं और इसी पर रख देंगे कढ़ाई। तो इसी में हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब। हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है तो यहीं पे हम 2 तेज पत्ते डाल देंगे तड़के में। हमारा तेज पत्ता तड़क गया है तो इसी में हम डाल देते हैं प्याज। इसको ज्यादा नहीं हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है, यही डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को हम गला देंगे, ये देसी टमाटर है, 1 से 2 मिनट में टमाटर गल जाएगा। टमाटर हमारा बढ़िया से गल गया है तो यहीं पे हम 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। आप चाहें तो कप से नाप के डाल सकते हैं, ये छोटा मैगी है तो आप 2 मैगी पे 1 कप पानी डालें और बड़ा वाला हो मैगी 12 रुपये वाली तो आप 1 कप में 1 मैगी डालें। अब इसी पे हम मैगी डाल देते हैं। यहीं पे हम गाजर डाल देते हैं, आपके पास है तो ठीक है नहीं तो डालना है, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे हम मैगी मसाला डाल देते हैं। यहीं पे हम इसमें नमक होता है थोड़ा सा नमक डालेंगे, मतलब 1/2 टीस्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला हम डालेंगे। एक बार मैगी को चला देते हैं और इसका आंच एकदम धीरे कर देंगे हम, जैसे नीचे का ऊपर भी हो जाएगा और चल भी जाएगा। आंच एकदम धीरे कर देंगे हम। तो यहीं पे हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब आपको भी पता है कि मैगी 2 मिनट में बन जाता है, तो हम जब मैगी डाले हैं उससे अब तक 2 मिनट हो चुका है, तो हमारा मैगी बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता की गार्निश कर देते हैं हम।